अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मसाला किचन। आप सब कैसे हैं व्यूअर्स? मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा सलाम और दुआओं के साथ यही इसी उम्मीद पे न्यू रेसिपी आज लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो जी, आज हम बनाने लगे हैं कुछ चटपटा सा और कुछ बारबेक्यू स्टाइल का। तो आज देखते हैं आज की रेसिपी क्या है। जी तो व्यूअर्स, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, मेरे पास है चिकन विंग्स कीमा, यानी कि चिकन का कीमा मैंने किया हुआ है। और मैं अब बनाने चाह रही हूँ चिकन चीज़ कबाब, आज जो कि बच्चों के भी फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी आजकल फेवरेट हैं। तो सर्दियों के दिन हैं तो दिल नहीं चाहता ज़्यादा हैवी खाने का, तो चिकन चीज़ कबाब जो हैं आप इजीली दाल चावल के साथ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच में देख सकते हैं। तो मैं बेसिकली जो बेस बना के चिकन चीज़ कबाब के इंग्रेडिएंट्स बनाओ बताऊँगी आपको, बच्चों के लिहाज से लंच बॉक्स के लिहाज से बताऊँगी, ठीक है। फिर स्पाइसेस आप अपना ऊपर नीचे खुद कर सकते हैं कि जितनी रिक्वायर्ड हो आप लोग को, ठीक। तो आइए देखते हैं आज के इंग्रेडिएंट्स क्या रिक्वायर्ड है चिकन चीज़ कबाब के लिए। मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन मिन्स ले लिया है, ठीक है, यानी कि चिकन का कीमा। और मैंने एक जो चम्मच है यानी कि 1 स्पून मैंने टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, ठीक। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पे मैंने देखे धनिया, साबुत धनिया और जीरे को भून लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड चने ले लिए हैं, ठीक है। चने मैंने आधी मुट्ठी लिए हैं, पूरी फुल मुट्ठी नहीं लिए, हाफ मुट्ठी लिए हैं रोस्टेड के चने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हस्बे काफी नमक ले लिया है एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं गर्म मसाला पिसा हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 पिंच लिया है और 1 पिंच ही मैंने यहाँ पर ली है काली मिर्च पिसी हुई, ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, आप भी ले सकते हैं, यानी कि दखनी मिर्च जिसे कहते हैं दखनी मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर यूज़ किया है 1 पिंच, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से मैं बना रही हूँ ये चिकन चीज़ कबाब, तो आप इसमें स्पाइसेस अपना लिहाज से एड अप और मज़ीद कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेड क्रश चिली भी डाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं यूज़ करने के लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जनाब लिया है, ये मेरे पास चीज़ है जो कि इसका जो प्रोसेस होगा वो हमारा बाद में होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्राइड प्याज ले लिए, फ्राइड करके रखे, ठीक है, इसको हम ग्राइंड में करेंगे ग्राइंड बाद में। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ले लिया है, कट मोटा मोटा किया है क्योंकि ये भी ग्राइंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है हरा धनिया साबुत तोड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम अब ग्राइंड करेंगे, ठीक है, कीमे में। और फिर जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर हम आगे का स्टेप करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं तमाम चीज़ों को, ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स को मैं अब ऐड कर रही हूँ ग्राइंडर में। तो जी, देख सकते हैं आप चॉपर में ये कीमा जो है सब चॉप हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ही होता है तो फिर हम आगे अपने कबाबों की तरफ आते हैं। जी तो जनाब, चॉप हुआ हुआ कीमा हमारा हाजिर है, चॉपर में मैंने कर दिया था, सब चीज़ें चॉप हो चुकी हैं, इसमें मिक्सअप अच्छे से हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून आपने घी डालना है, चाहे तो असली घी डालें चाहे तो ऐसा घी डालें, ठीक है, इससे आपकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है और कीमा जो होता है वो बहुत फ्लफी सा होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें बकिया चीज़ डालेंगे जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है चीज़। तो चीज़ मैंने यहाँ पे क्रश करके रख लिया है, मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और देखें मैं डाल रही हूँ, ठीक है। फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालते जाना है और फिर मिक्स करते जाना है इस तरह से। जी तो जनाब, सारा कमाल इस कीमे में जो है चीज़ कबाब में, चिकन चीज़ कबाब के कीमे में सारा कमाल जो है आपके हाथ से इसको मिक्सअप करने का है। मिक्सअप करते जाएं, ठीक है, कम से कम 15 मिनट तक मिक्सअप करना है इसको अच्छे से। मैं मिक्सअप कर ही रही हूँ जब से कि मोबाइल पकड़ नहीं सकती, ठीक है ना, इतना हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मिक्सअप करके दिखा रही हूँ इसको किस तरीके से मिक्स अच्छे तरीके से करना है, जब तक कि इसमें टाइटनेस ना पैदा हो जाए, ठीक है। अब देखें आप इसमें टाइटनेस जो है वो आ रही है, ठीक है, हल्के हल्के। तो मुझे अभी और करना है तो करके आगे आपको बताती हूँ इसको, फिर हाफ आर के लिए इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। जी तो जनाब, आप देख सकते हैं इसमें टाइटनेस आ चुकी है, अब मैं इसे हाफ आर के लिए मैरिनेट करने रख दूंगी, ठीक है। आधे घंटे के बाद फिर हम अपना ऐसे कबाब जो चिकन चीज़ कबाब है उसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको सीख में करके बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो जनाब, कबाब हमारे रेडी हैं और जो मैंने कबाबों के लिए सीखी उसके वही फ्लैट वाली यूज़ किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बनाते हुए नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ गिरे हुए थे बनाने में। अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये बने हैं, ठीक, कबाब जैसे शेफ फ्राई करना है और सर्व करना है। तो जब भी मैं फ्राई करूँगी इंशाल्लाह आपको
सर्व करके बिल्कुल दिखाऊंगी, ठीक है। और कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और फिर हम इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली देख सकते हैं आप कबाब फ्राई हो रहे हैं, चावली कबाब भी कह सकते हैं, चिकन चीज़ कबाब भी कह सकते हैं आप, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, जूसी से कबाब हैं ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।